आपको स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई बता दें, केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल केस में बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्योंकि पहले ही पता था कि अगर विभव कुमार मिल जाता है तो सीधे सीधे हिरासत में लिया जाएगा, जो धाराएं विभव कुमार के ऊपर लगाई गई है। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर विभव कुमार को कहां से हिरासत में लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर, विभव कुमार को हिरासत में लिया जा चुका है। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विभव कुमार का ये कहना है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एफआईआर हुई है, अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मेरी शिकायत पर भी संज्ञान ले दिल्ली पुलिस, ये विभव कुमार ने कहा है। और जानकारी ये मिल रही है, सीएम आवास के सूत्र बता रहे हैं कि विभव कुमार को पीछे के दरवाजे से ले जाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अरविंद केजरीवाल के पीए इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। और देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि हिरासत में लेने के बाद अब सिविल लाइन थाने ले जाया जाएगा, न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया ने अब से कुछ ही देर पहले बताया था, 10 मिनट पहले, कि विभव कुमार को हिरासत में आज लिया जा सकता है। और अब इसी थाने में पुलिस स्टेशन सिविल लाइन जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर जो है विभव कुमार को ले जाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन विभव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो शिकायत मेरी तरफ से की गई, क्योंकि शिकायत उनकी तरफ से भी मेल के जरिए की गई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले। बिल्कुल, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी आनंद लाइव मौजूद है। आनंद, ये सबसे बड़ी खबर है, कहां से हिरासत में लिया गया है, ताजा जानकारी आप दीजिए। देखिए, जैसा कि हमने कुछ देर पहले ये साफ कर दिया था कि विभव के इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिले हैं दिल्ली में होने के, और अब विभव कुमार को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि वो सिविल लाइन सीएम हाउस के आसपास पहुंचे थे, जहां से कि उन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर साफ करेगी कि उन्हें आखिर कहां से हिरासत में लिया गया, लेकिन विभव कुमार को लेकर इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो सिविल लाइन थाने में पहुंचने वाली है, और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत हद तक संभावना है कि हिरासत में लेने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो। तो अब जो इस पूरे मामले में जो जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी वो अब दिल्ली पुलिस के पास है, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विभव का एक बयान भी सामने आया है कि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और वो जांच में सहयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आनंद, और इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई, विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। आनंद, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी तो हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ देर बाद हो सकता है गिरफ्तारी की जा सके, क्योंकि जो धाराएं विभव कुमार के ऊपर लगाई गई है वो उसमें सीधे सीधे गिरफ्तारी होती है। देखिए, बिल्कुल इतना तो तय है कि विभव कुमार की गिरफ्तारी होगी, लेकिन कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। अभी उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी, उनसे पूरा घटनाक्रम जो है वो समझा जाएगा, उनका पक्ष जो है वो जानने की दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी, उन्हें तमाम सबूत और साक्ष्य दिखाए जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली पुलिस को लगता है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाएगी। जो धाराएं लगी है उसमें कुछ धाराएं नॉन अवेलेबल हैं, ऐसे में अगर जो विभव कुमार है उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार अगर आज करती है तो फिर उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर उनका मेडिकल कराया जाएगा, और उन्हें फिर कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करेगी, और देखना होगा कि वहां से पुलिस उनकी फर्दर रिमांड मांगती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेजती है, और देखना होगा कि इसमें विभव कुमार की तरफ से किस तरह के लीगल ग्राउंड जो है वो इस्तेमाल किए सकते हैं, वो अपनी जो गिरफ्तारी है उसका विरोध करने के लिए कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। तो आखिरी का जो आगे का